हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के सामने एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। एक आवश्यक सूचना, वीडियो बनाता हूँ नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट का कोई भी मेरा सलाह नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड एक वैश्विक अनुसंधान एवं विकास संचालित दूरसंचार उपकरण कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत में है, यानी अपने देश में। यह उच्च प्रदर्शन वाले ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग उत्पादों को डिजाइन, विकसित और निर्मित करता है जिनका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उपयोगिताओं, सरकार और रक्षा नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि इसके कामकाज के बारे में समझ गए होंगे, आगे चलते हैं इसका मुख्य डाटा पे। इसका मार्केट कैप 14,533 करोड़ का है, करेंट प्राइस 857 रुपया, बुक वैल्यू 177 रुपया, जो कि लगभग 4 से 5 गुना पर ट्रेड कर रही है। स्टॉक पी कुछ भी नहीं, 52 वीक का हाई लो 935 रुपया और 510 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, इंटरप्राइजेज वैल्यू 13,841 रुपये का है, प्राइस टू सेल्स 14.8। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके 3 साल के चार्ट अगर देखते हैं तो ये कहाँ 75 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, 75 रुपये 25 पैसे पे, अभी इसका लास्ट प्राइस 826-27 रुपये के करीब है। तो अच्छा खासा इसने रिटर्न बना करके दिया है निवेशकों को। इसमें प्रोज दो है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर, यानी कि ये डेट फ्री कंपनी हो चुकी है और क्वार्टरली रिजल्ट गुड अच्छा देने की उम्मीद है। इसमें कॉन्स भी 7 है। पहला है कि ये अपने बुक वैल्यू से इतना टाइम्स ऊपर में ट्रेड कर रही है, 4.85, लो इंटरेस्ट कवरेज कर रही है, प्रमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज किया है 0.40%। इसमें अदर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि अदर इनकम भी इसका अच्छा खासा है, 81.8 करोड़ का। एक 198 दिन का अत्यधिक डेब्टर्स है। लास्ट है कंपनी कॉस्ट ऑफ ब्रोइंग सीम्स हाई। तो इस प्रकार कौन सा है, कौन ज़्यादा है, प्रोज कम है। इसका पीयर कंपैरिजन अगर देखेंगे तो इस तरीके से 9 कंपनी है, क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स 188 करोड़ का जून 2023 का अगर देखते हैं तो, और एक्सपेंस 234 करोड़ का, अदर इनकम 19 करोड़ का, इंटरेस्ट 5 करोड़ का पेड कर देती है, डिप्रिसिएशन 34 करोड़ का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स -66 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट यानी कि टैक्स पेड करने के बाद में जो कंपनी को मिला वो -26 करोड़ का, जिसके कारण EPS अर्निंग पर शेयर माइनस में आ गया 1.55 रुपया। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो 982 करोड़ का सेल्स किया, 1,007 करोड़ का एक्सपेंस किया यानी कि खर्च किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -25 करोड़ का, अदर इनकम 82 करोड़ का, इंटरेस्ट 19 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 129 करोड़ का, डिप्रिसिएशन जो कि काफ़ी ज़्यादा हुआ है।
जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स -91 करोड़ और नेट प्रॉफिट -52 करोड़, यानी कि टैक्स पेड करने के बाद में EPS -3.15। तो ये कंपनी जो है जिसका कि डिप्रिसिएशन ज़्यादा ही लग रहा है, ये इसमें बैड है। और बैलेंस शीट देखते हैं तो 172 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 2801 करोड़ का रिजर्व है इसके पास में, रिजर्व इसके पास में काफ़ी ज़्यादा है, और ब्रोइंग मात्र 50 करोड़ का, इसीलिए ये डेब्ट फ्री कंपनी माना जा रहा है। अदर लाइबिलिटीज 579 करोड़ का, टोटल लाइबिलिटीज 3602 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट 262 करोड़ का है जो कि पिछले साल से कम है, टोटल एसेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 3602 करोड़ का हो चुका है जो कि बहुत अच्छा है, पिछले साल का 2110 करोड़ का था, तो ये प्लस पॉइंट रहा। कैश फ्लो अगर देखते हैं तो प्लस में 38 करोड़ का है, ये भी प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अब देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग सितंबर 2021 में कुछ भी नहीं था, जबकि दिसंबर 2021 में 37.32% हो गया, उसके बाद में बढ़ते हुए ये जून 2022 में 52.40% हो गया, और फिर जा करके दिसंबर 2022 में 51.97%, यानी कि घटा था हल्का सा, फिर मार्च 2023 में 56.37% हुआ, और जून 2023 में अभी जो कि 55.97% रह गया है, यानी कि थोड़ा सा घट करके, लेकिन काफ़ी बेटर है प्रमोटर होल्डिंग। FIs के पास में 10.91% है, अड्याइज के पास में 3.89% है, पब्लिक के पास में 29.21% है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 140,497 है, और इसमें एक करेंट का न्यूज भी है 8 आवर्स पहले का, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्रेस रिलीज, तेजस नेटवर्क विंस ग्लोबल लीडिंग लाइट्स अवार्ड फॉर कंपनी ऑफ द ईयर 2023 का है, आज का डेट है 27 सितंबर 2023, यानी कि आज ही ये प्रेस रिलीज किया गया है, इसको अवार्ड मिला है ग्लोबल लीडिंग लाइट्स अवार्ड, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है, इसके वजह से हो सकता है कि शेयर पे इफ़ेक्ट पड़े और अपसाइड मोमेंट बने कुछ दिनों के लिए। और विस्तार से पढ़ना हो तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लें और समझ लें, लेकिन मुझे जो ठीक लगा वो मैं वीडियो में शॉर्ट में बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।